हल्द्वानी से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां दो व्यवसायियों के आकस्मिक निधन से पूरे शहर में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी में युवा व्यापारी और देवभूमि व्यापार मंडल के संगठन मंत्री पंकज गुप्ता का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि पंकज गुप्ता काफी समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन अब उनका निधन हो गया है, जिससे हल्द्वानी शहर के व्यापारियों में शोक की लहर है। बता दें कि पंकज गुप्ता बरेली रोड क्षेत्र में रहते थे और हल्द्वानी के मटर गली में उनकी रेडीमेड गारमेंट की दुकान है। वह पंकज गुप्ता के निधन से मटर गली के व्यापारियों के साथ ही देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में भी शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक युवा व्यापारी पंकज गुप्ता बेहद मिलनसार स्वभाव के थे। उनके निधन से उनके परिजनों में मातम का माहौल है और सभी व्यापारियों ने इस दुख की घड़ी में कहा कि वो पूरी तरह से व्यापारी पंकज गुप्ता के परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर लालकुआ के व्यवसायी राजेंद्र भट्ट का भी बीमारी के चलते दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो 48 साल के थे और 2 साल पहले ही 2021 में कोरोना काल के दौरान उनके पिता, माँ और बड़े भाई का निधन हो गया था। ऐसे में अब राजेंद्र भट्ट के आकस्मिक निधन से जहां परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, वहीं क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। साथ ही बताया जा रहा है कि राजेंद्र भट्ट अपने पीछे 2 बेटे और पत्नी समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं।